नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड गोजांग और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है समय की कीमत। सच मानिए दोस्तों, जिसने समय का प्रबंधन कर लिया उसने अपने जीवन की हर चीज़ का प्रबंधन कर लिया। समय इतना बलशाली है, समय इतना मूल्यवान है कि जिसने इसकी कीमत को समझा वो वास्तव में बहुत आगे चला गया। अगर मैं बात करता हूँ कि खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से मिल सकता है, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा से मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों, ईश्वर ने किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दिया है, किसी को बहुत ही जो है वो रूपवान बनाया है, किसी को कम रूपवान बनाया है, लेकिन ईश्वर ने सभी को एक चीज़ बराबर दी है और वो है समय। और ये समय का जिसने सदुपयोग कर लिया, जिसने इसका सही तरीके से प्रबंधन कर लिया, निश्चित रूप से उसकी सफलता को कोई रोक नहीं पाता। अगर आप वास्तव में विद्यार्थी और आगे जाना चाहते हैं तो समय ही वो बहुमूल्य निधि है जिसका प्रबंधन करके आप अपने मनचाहे सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं एक औसत बात करूं आप लोगों से, तो इन 24 घंटे में 7 से 8 घंटे सोने के लिए और 2 घंटे नहाने खाने इत्यादि कामों के लिए निकल जाते हैं। यानी वास्तव में अगर मैं इस प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो आपको 14 घंटे या लगभग 60% का जो समय है वही आपको जो है मिलता है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें तो लगभग 40% जो समय ऐसे कामों में चल जाता है जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यानी आप अपने 60% हिस्से के मालिक हैं। अब ऐसी कंडीशन में वही जो स्टूडेंट है आगे बढ़ पाएगा जो इन 14 घंटे या लगभग जो 60% समय है उनका बेहतरीन उपयोग कर पाता है। और ये समय आपके लिए भी वही समान है जो महान लोगों के पास है, बशर्ते कि वो हर अपने घंटे की कीमत जानते हैं, वो अपना इसका महत्व समझते हैं और समय प्रबंधन के गुणों को जानते हैं। एक वो कला जिस कला को सीखकर वास्तव में आप अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं वो है समय प्रबंधन की कला। और समय प्रबंधन की कला इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने समय का उपयोग या दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं। और जब आपके पास अपने हर घंटे का रिकॉर्ड होता है तब जाकर आप समय प्रबंधन के गुणों को समझ पाते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को डाटा कलेक्शन का मेथड बताया था, जहां पर आप पर डे अपनी डायरी में वो समय जो आपने स्वयं के लिए निर्धारित किया आप उसमें से कितना सदुपयोग कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है। इन सभी डाटा को मैंने कलेक्ट करने के लिए आपको डायरी मेथड बताया था और तत्पश्चात इसको बहुत ही एक जिसे कहते हैं पैशनेट करने के लिए, इसमें एक नए मूल्यों को जोड़ने के लिए मैंने आपको ग्राफ मेथड बताया था कि किस प्रकार आप इस सारे डाटा को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उस समय प्रबंधन का एक बहुमूल्य वीडियो पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब धीरे धीरे आप एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं, छुट्टियों का समय है और एक तरह से उल्लास का माहौल होने जा रहा है, तमाम जो है छुट्टियों का समय आ रहा है और ऐसी कंडीशन में आप एक लंबे समय तक अपनी पढ़ाई से दूर हो जाएंगे और उसके बाद पुनः रिदम पाने में आपको एक अच्छा खासा समय लग जाएगा। लेकिन उसके जैसे ही दीपावली खत्म होगी या जैसे ही छुट्टियाँ खत्म होंगी उसके तुरंत बाद जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर जो है वो क्रिएट होने वाला है। ऐसी कंडीशन में वही स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाएगा जो वास्तव में समय प्रबंधन के गुणों को जानता होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिसने अपने समय का सही उपयोग किया वो एग्जाम में अंदर जाएगा और उसको पता है कि किस प्रकार उसको एक एक मिनट का इस्तेमाल करना है। आपको 24 घंटे से ज्यादा किसी हालत में नहीं मिल सकता। आपको जो आपकी बॉडी को जो सोने के लिए घंटे चाहिए, जो आपको नित्य कर्म करने के लिए घंटे चाहिए, वो तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। अब सवाल है कि जो आपके पास बचे हुए यूजफुल घंटे हैं उसमें आप कितना ज्यादा उसका उपयोग कर पाते हो, कितना उसका प्रबंधन कर पाते हो और अपने एक घंटे या आधा घंटे जैसे समय को भी आप कितना ज्यादा जो है मेंटेन कर सकते हो। क्या आप ये प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो कि मैं अपने 10 मिनट या 15 मिनट के दौरान मैं इसका क्या उपयोग करने जा रहा हूँ या मेरा जो ये घंटा है ये कितना उपयोगी होने जा रहा है मेरे लिए। ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा गुण है और अभी से इसकी आदत डालना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप एक आदर्श अपना टाइम टेबल बनाइए जिसको आपको फॉलो करना है, जिसके हिसाब से अपने सोने का टाइम, उठने का टाइम, इन सभी टाइम को आप मैनेज करिए। पढ़ने के घंटों को निर्धारित करिए और एक थ्रेशोल्ड बनाइए कि मुझे किसी भी हालत में दिसंबर तक इतने जो है वो हालत में पहुंचना है जहां मैं 8 से लेकर 10 घंटे की अपनी पढ़ाई कर सकूं। इसके पश्चात आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसमें जो आपने टाइम बनाया है उसमें कितना फ्रूटफुल टाइम है। जैसे आप 2 घंटे के लिए बैठे 12 बजे से 2 बजे, लेकिन सवाल है कि उस दौरान आपने कितनी बार व्हाट्सअप चेक किया, कितनी बार जो है आप टहलने निकल गए, कितनी बार आपका जो है दिमाग भटका और वास्तव में उसका जो है आउटपुट कितना आ रहा है। ये जो आउटपुट निकल कर आ रहा है भले चाहे वो 2 घंटे
में 1 घंटे 20 मिनट ही क्यों ना हो, यही आउटपुट ही आपकी वास्तविक पढ़ाई है। इसको आपको रिकॉर्ड करके रखना है, लेकिन साथ ही साथ प्रबंधन में आपको ये भी रिकॉर्ड करना है कि कौन सी चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आपने 20 मिनट किसी से बातचीत की, उसको डायरी में मेंशन करिए 20 मिनट ऑन फोन, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आविष्कार हैं, ये जो गैजेट्स हैं, वो आपको वास्तव में आपकी पढ़ाई से काफ़ी दूर लेकर जाते हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय को प्रबंधन करके रखिए, अनुशासित रखिए, डिसिप्लिन अपने आप को बनाकर रखिए, क्योंकि अब समय है अपने आप को सफल करने का, जो आपने इतने समय से मेहनत की थी, अब उस मेहनत को जो है वो दुनिया को दिखाने का है। लेकिन इस समय अगर आप दबाव में समय प्रबंधन के इस महान गुण से अगर चूक गए, इस कला को सीखने से चूक गए, तो निश्चित रूप से आपकी जो एक सुनिश्चित सफलता थी, उससे आप कहीं दूर भटक जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी भी हालत में, किसी भी पॉइंट पर जो है अपनी सफलता से दूर जाएं। तो दोस्तों, समय प्रबंधन की एक जो है कला, उसको सीखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने लिए एक टारगेट तय करिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आप नेक्स्ट ईयर 19 से एग्जाम से पहले पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करनी है। न सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको अपने घंटों के अंदर उसको अधिक से अधिक निचोड़ना है। यानी अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठे हैं, तो आपका आउटपुट 1 घंटे 20 मिनट क्यों है, आपका 40 मिनट बर्बाद क्यों हो रहा है? ये जो 40 मिनट की बर्बादी है, जब आप इसको फिल करना शुरू करोगे और इसको पूरा करना शुरू करोगे, तब धीरे धीरे जो है आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। और वास्तव में जो विजेता होते हैं, वो इसी तरह सोचते हैं। तमाम दुनिया के जो सफल लोग हैं, उनकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे, तो वो ये कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अगले 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, अगले 10 मिनट का मेरा क्या महत्व है, इसकी क्या कीमत है। तो समय प्रबंधन, अनुशासन और जिसे रुचि कहते हैं, इसका एक मिश्रण होता है। तो आपकी रुचि यूपीएससी में सफलता पाने की है, आपका जो एग्जाम में सफल होने का आपका प्रमुख रुचि है, या जिंदगी के किसी भी हिस्से में आगे जाना चाहते हैं, लिमिटेड समय आपके पास है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप इस कला के महारथी हैं, जहां अनुशासन के माध्यम से अपने उन सपनों के लिए अपने आप को झोंक सकते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपका दोनों बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है। और ओजांग आईएएस एकेडमी का ये प्रयास है कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ें। तो जो आपके प्रश्न थे समय प्रबंधन का, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप समय प्रबंधन कर पाए, तो अपनी जिंदगी में जो है वो अपने आप को प्रबंधित कर पाएंगे और जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपको जो सवाल है, वहां आप जो है वो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि एक मशाल की तरह है ये जो पॉजिटिविटी, एक मशाल की तरह है और सब तक ये पहुंचनी चाहिए। बाकी इस समय जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, वो प्रश्नों के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचाइए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि इनके समाधान मैं आपको दे सकूं। जैसे कुछ प्रश्न जल्दी ही आ रहे हैं कि सर, नींद बहुत आ रही है और इस समय एग्जाम से पहले ये तनाव होता है, या किसी को ये समस्या है कि नींद नहीं आ रही है, इस पर जल्द ही मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको इन समस्याओं के जो समाधान है वो मिल सकें और आप इनसे छुटकारा पा सकें और आप सफल हो सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा मैं अन्य वीडियो में, आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जहां पर आपकी किसी अन्य सवालों के समाधान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अपने इस दोस्त को विदा दें, नमस्कार।